अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं और 2 बजे दिन में सदन पुनः प्रारंभ होगा और सदन स्थगित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप इससे कवल की स्थगित करें, आप ये संवैधानिक परंपरा के विरुद्ध कर रहे हैं। चूंकि उपाध्यक्ष हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है, हमारी नियमावली भी इसको नहीं बदल सकती। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद आज का दिन बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि आज 24 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है और इस दौरान जो महागठबंधन की नई सरकार बनी है उसको अपना विश्वास मत हासिल करना है। लेकिन इस सरकार के विश्वास मत हासिल करने से पहले अध्यक्ष पद को लेकर रार दिखाई दे रही थी। विजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष पद पर लगातार बने हुए थे, उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, लेकिन आज जब विधानसभा की शुरुआत हुई तो उन्होंने अपना संबोधन किया, यानी उन्होंने कुछ बातें कही, अपने काम को गिनवाए, साथ ही साथ जो एनडीए की सरकार ने काम किए उसको लेकर भी बहुत कुछ कहा और उसी दौरान आखिरी पल में उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। सुनिए विजय कुमार सिन्हा को। माननीय नरेंद्र नारायण यादव जी आसन को संभालेंगे और जो सरकार के विषय तय हैं उस विषय का संचालन करेंगे। स्वस्थ बहस भी होगी। बिहार का संदेश, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसका संदेश जो खूबसूरती हम सबों ने मिलकर प्रकट की है ये पूरे देश और दुनिया देख रहा है। मैं 2 घंटे का बहस, जो परंपरा है, नियम है, रहेगा, सदन की कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं और 2 बजे दिन में सदन पुनः प्रारंभ होगा और सदन स्थगित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप इससे कवल की स्थगित करें, आप ये संवैधानिक परंपरा के विरुद्ध कर रहे हैं। चूंकि उपाध्यक्ष हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है, हमारी नियमावली भी इसको नहीं बदल सकती। तो विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने के साथ ही सदन को स्थगित भी करने का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर विधानसभा के अंदर थोड़ा हो हल्ला भी मचा। लेकिन अब क्योंकि विधानसभा स्थगित हो गया है, एक बार फिर से विधानसभा की शुरुआत होगी और उस दौरान आप देखेंगे कि जो महागठबंधन की नई सरकार है वो अपना विश्वास मत हासिल करेगी। उसके बाद सदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर चुनाव होंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि आरजेडी के तरफ से अवध बिहारी चौधरी ही इस बार विधानसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।